फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। लाइट कैन वर्क इन अ क्लोरोप्लास्ट ओनली इफ इट इज एब्जॉर्ब। लाइट क्या कर सकती है, क्लोरोप्लास्ट में काम करती है जब वो इसे क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। पिगमेंट्स आर द सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस हैं जो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब द विजिबल लाइट, जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 380 से लेके 750 तक। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या एक तरह का स्पेक्ट्रम होता है लाइट का, जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ की जो रोशनियाँ होती हैं वो नज़र आती हैं। स्टूडेंट ये टॉपिक पीछे गुजरा है हमारे पास, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास आगे आएगा उसमें हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ के मतलब बताया जाएगा। तो हमारे पास क्या, उसमें क्या है, डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट्स होती हैं उन्हें आपका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, जिसे कहते हैं क्लोरोफिल, वो क्या करता है, इसको अब्जॉर्ब करता है। डिफरेंट पिगमेंट अब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, इसका मतलब ये है कि जो कलर्स वाइज होती हैं, रेड कलर की लाइट, ब्लू कलर की लाइट, ग्रीन कलर की लाइट, येलो कलर की लाइट, जो भी कलर की लाइट होती हैं, वो सारी की सारी लाइट में से कुछ लाइट ऐसी हैं जो ज़्यादा बेहतर अंदाज में एब्जॉर्ब की जा सकती हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि हमारे पास जो क्लोरोफिल होता है वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो हमारे पास क्या होता है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब होती हैं, कुछ लाइट हमारे पास एब्जॉर्ब नहीं होती हैं। तो हमारे पास पूरे का पूरा एक लाइट स्पेक्ट्रम बनता है, जिसमें हमारे पास 380 से लेके 750 नैनोमीटर की वेवलेंथ की डिफरेंट लाइट होती है। और वो इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है, जिससे आप ये करते हैं, मेजर करते हैं एक एबिलिटी टू डिफरेंट पिगमेंट ऑब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ, यानी कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ की लाइट को कितना ज़्यादा या कितना कम अब्जॉर्ब करता है। और इस एब्जॉर्प्शन के बाद जो एक ग्राफ बनता है, उस ग्राफ को कहा जाता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अक्सर शायद क्वेश्चन में आता है व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो क्या कहेंगे, अ ग्राफ प्लॉटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट डिफरेंट वेवलेंथ की बाय द पिगमेंट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। थायलिकॉइड मेम्ब्रेन कंटेन सेवरल काइंड ऑफ पिगमेंट्स, याद रखिएगा, उसमें क्लोरोफिल से मुतलिक भी हमारे पास हो सकता है। ये हमारे पास बेसिक या इम्पोर्टेंट पिगमेंट्स होते हैं। इसके अलावा जो बाकी पिगमेंट होते हैं, कहा जाता है एसेसरी पिगमेंट्स, जिसमें हमारे पास कैरोटीनॉइड भी है, सेंथोफिल भी है, ऐसे और भी होते हैं। इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, जैसे उनका येलो कलर होता है, रेड कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर वाले ये जो हमारे पास क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करना है एक्चुअली बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल से मुतलिक। देर आर नाउन मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोरोफिल, जिसमें ए क्लोरोफिल भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, जो कि यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक प्लांट और एल्जीज के अंदर नॉर्मली पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर भी हमारे पास के, जिन्हें बैक्टेरियो क्लोरोफिल्स का नाम दिया जाता है, ये पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल का, ये बैक्टीरिया के अंदर भी होता है, वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करती है, जैसा कि साइनोबैक्टीरिया। क्लोरोफिल अब्जॉर्ब मेनली वायलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड वेवलेंथ, यानी हमारे पास याद रखिएगा कि वायलेट ब्लू और रेड, ब्लू और रेड कलर की जो रोशनी होती है वो क्लोरोफिल ज़्यादा जज्ब करता है कंपैरेटिवली येलो के, कंपैरेटिवली इसके अलावा जो और कलर होते हैं उन कलर्स के अलावा जो ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होती है हमारे पास लाइट की, वो कौन सी होती है, ब्लू और रेड की होती है हमारे पास। ग्रीन, येलो एंड इंडिगो वेवलेंथ आर लीस्ट एब्जॉर्ब, मैंने बताया कि ग्रीन कलर की, येलो कलर की, इंडिगो कलर की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम एब्जॉर्ब करता है। तो हमारे पास क्या होती है, या तो ये ट्रांसमिट हो जाती हैं या फिर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो हम कहा जाए येलोज आर ऑफ्टन मास्क्ड बाय द डार्कन ग्रीन कलर, तो हमारे पास हेंस प्लांट अपीयर ग्रीन अनलेस मास्क बाय द अदर पिगमेंट, तब तक हमें ग्रीन नजर आते रहते हैं। तो हमारे पास एक क्या दिखाया गया, क्लोरोफिल की बेसिकली स्ट्रक्चर दिखाई गई। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट हमारे पास है वन फ्लैट स्क्वायर लाइट अब्जॉर्बिंग हाइड्रोफिलिक, जस्ट क्या कहते हैं हम, हेड, यानी आप समझ लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्या हमारे पास एक तरह का हेड है। इसके बाद जो हमारे पास निचला हिस्सा बनता है, ये सारे का सारा इसका क्या है हमारे पास, उसके साथ टेल है। तो कहते हैं हमारे पास एंड द अदर लॉन्ग एंचोरिंग हाइड्रोफोबिक
हाइड्रोकार्बन टेल, इसका मतलब ये हो गया कि एक इसका पार्ट बन गया हेड, दूसरा पार्ट बन गया आपके पास क्या है, टेल। तो हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक जो है वो क्या है आपके पास, एक तरह का उसका क्या बना हुआ है, टेल बना हुआ है, एक पूरा सेटअप है हमारे पास। तो हम कह रहे थे हमारे पास हेड की बेसिकली जो स्ट्रक्चर है इसको कह रहे थे जी पोरफाइरिन रिंग बना होता है, जिसके ऊपर क्या होता है चार ज्वाइंट लगे होते हैं समालर पायरोल रिंग के। अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है जी, ये साइडों पर जिसके ज्वाइंट बने होते हैं इनको कहा जाता है हमारे पास क्या है, साइडों पर चार प्रोफाइल रिंग के जो होते हैं हमारे पास क्या है जी, इनके जोड़ बने हुए होते हैं चारों साइडों पर, कंपोज ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम, जो कि कार्बन और नाइट्रोजन एटमों से बने होते हैं, चार ही नाइट्रोजन है और मैग्नीशियम के साथ इनकी अटैचमेंट होती है, ये सेंट्रल हेड होता है इसके साथ। तो हम कह देते हैं हमारे पास एन एटम ऑफ मैग्नीशियम इज प्रेजेंट, याद रखिएगा ये दरमियान में सेंट्रल एटम जो है वो मैग्नीशियम है। प्लांट में जो होता है ये मैग्नीशियम होता है, पर ह्यूमन के हीमोग्लोबिन में ये हमारे पास क्या होता है सेंटर में आयरन होता है। तो हम कह देते हैं यही छोटा सा डिफरेंस होता है ह्यूमन की इस क्लोरोफिल में और उसके साथ अपना ह्यूमन की हेम में और प्लांट की क्लोरोफिल के अंदर। एन एटम ऑफ मैग्नीशियम इज प्रेजेंट द सेंटर ऑफ द परफोराइन रिंग एंड इट इज कोऑर्डिनेटेड विद द नाइट्रोजन ऑफ ईच पायरोल रिंग, दैट इज द वे मैग्नीशियम डेफिशिएंसी काज येलिंग इन अ प्लांट। इस वजह से जब मैग्नीशियम पौधों में कम हो जाता है तो पौधों के पत्ते क्या हो जाते हैं, येलो कलर के हो जाते हैं। हेम हमारे पास है जी पोर्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन, ये मैं अभी बता चुका हूँ, इज आल्सो है परफोराइन रिंग बट कंटेनिंग ए आयरन एटम इंस्टेड ऑफ द मैग्नीशियम एटम इन द सेंटर। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन टेल आपको मैंने बताई, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन से बनी हुई हमारे पास, इसको बोला जाता है हमारे पास क्या है फाइटोल। स्टूडेंट याद रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास हेड की कंपोजिशन क्या होती है और टेल की कंपोजिशन क्या होती है। सम टाइम जो हमारे पास फाइटोल का जो फॉर्मूला है ये पूछ जाता है कि हमारे पास कार्बन कितने होते हैं, इसमें 20 होते हैं और हाइड्रोजन कितने होते हैं, 39 होते हैं। अब नॉर्मली कहा जाता है कि हमारे पास जो जो क्लोरोफिल होता है इसकी बेसिकली क्या होती हैं, दो हमारे पास क्या होती हैं इसमें स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक होता है क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है वो याद रखिएगा। इनके ऊपर लगा हुआ क्या हमारे पास जो है परफोराइन रिंग के ऊपर ये जो लगा हुआ अलग से फंक्शनल ग्रुप होता है इसकी बिना पर है। अगर यहाँ पर कोई मिथाइल ग्रुप लगा होगा तो हमारे पास क्लोरोफिल ए हमारे पास कहलाएगा, और अगर अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा यहाँ पर कोई अल्कोहलिक ग्रुप लगा होगा तो हम कहते हैं हमारे पास क्या जी क्लोरोफिल बी होगा। तो उसके बारे में लिखा हुआ है क्लोरोफिल ए एंड बी डिफर फ्रॉम ईच अदर ऑन द वंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बाउंडेड टू द परफोराइन के ऊपर मिथाइल ग्रुप होगा तो क्लोरोफिल ए होगा, और अगर हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप होगा तो हमारे पास क्या होगा, हम कहते हैं CHO वाला होगा तो हम कहते हैं क्लोरोफिल बी होगा। स्टूडेंट्स बारह दिगर बहुत दफा ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ चुका है, कंपेयर क्लोरोफिल ए विद क्लोरोफिल बी, या नॉर्मली क्या आता है MCQ में जाता है कि विच वन इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए। तो दोनों को जरा हम लोग एक दफा पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, जरा देखिएगा कार्बन दोनों में सेम है जी, दोनों में 55 है, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन 72 है, यहाँ पर हाइड्रोजन दो कम है और यहाँ पर 70 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 5 है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन ज्यादा है। तो याद रखिएगा जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा ऑक्सीजन कम और जिसमें हाइड्रोजन कम और ऑक्सीजन ज्यादा हो वो क्या है क्लोरोफिल बी और ये क्या है क्लोरोफिल ए। तो कहते ड्यू टू दिस स्लाइट डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर टू क्लोरोफिल शो स्लाइटली डिफरेंट अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड हेंस डिफरेंट कलर, यानी दोनों की ये थोड़ी सी हमारे पास क्या होती है कि डिफरेंट कलर और डिफरेंट थोड़ा सा सिर्फ केमिकल स्ट्रक्चर्स में फर्क आने की वजह से अलग अलग लाइट के स्पेक्ट्रम को अब्सॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल ए इज ब्लू ग्रीन वाइल द क्लोरोफिल बी इज येलो ग्रीन। स्टूडेंट ये आप लोगों ने बड़े अच्छे से याद करनी है, ये ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा एग्जाम में आ चुकी है। क्लोरोफिल ए का कलर कौन सा होता है, ब्लू ग्रीन होता है, जबकि क्लोरोफिल बी का जो होता है वो क्या होता है, येलो कलर का होता है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बाकी इसके साथ जो जुड़े होते हैं एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, इनका जो नॉर्मल इफेक्ट होता है हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करना है। जैसे उन्हें होता है हमारे पास जो ऑब्जॉर्प्शन पीक्स हैं,
ये हमारे पास एक आगे स्पेक्ट्रम दिखाया गया, उसमें दिखाया गया हमारे पास 680 की लाइन, जी ये जो लाइट है हमारे पास ज्यादा अब्जॉर्ब होती हैं। बाकी जो हमारे पास कैरोटीनॉइड या एसएससी पिगमेंट्स होते हैं, होता क्या है, क्लोरोफिल ए एक्चुअली बेसिक कंपोनेंट होता है। क्लोरोफिल ए जिस लाइट को अब्जॉर्ब नहीं करता है उसको भी क्लोरोफिल बी जज्ब करता है। अब जिसको क्लोरोफिल बी भी जज्ब नहीं करता फिर उसे कौन करता है, कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड भी क्या करता है, लाइट को जज्ब करके शिफ्ट कर देता है किसके पास, क्लोरोफिल बी के पास। क्लोरोफिल बी अपनी और कैरोटीनॉइड की लाइट को फिर शिफ्ट कर देता है कहां पर, क्लोरोफिल ए के पास। और यूं सारे का सारा जो रिएक्शन होता है वो एक्चुअली अंडर द कंट्रोल ऑफ क्लोरोफिल ए होता है। तो मेन पिगमेंट कौन हुआ, क्लोरोफिल ए। बाकी के जो तीनों दोनों हमारे पास हैं, इसके अलावा जितने भी होते हैं कहते हैं हमारे पास, ये सब के सब क्या है, एसेसरी पिगमेंट्स है।